देखो यार, सीन ये है कि ये पुलाव बनाया है मेरी अम्मी ने। मैं बैठा हुआ था बाहर और जी पता चला किचन में कुछ बन रहा है, तो मैंने कहा चलो यार उसकी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो पता जब चला ना कि पुलाव है, तो भाई उसका तो हमारा जो बनता है ना, ये बिल्कुल, एक तो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सादे से और लेवल ही अलग होता है। आप एक दो सिर्फ इसे मतलब बना के देखना, फिर आपको पता चलेगा। तो भाई ये आपको पता है, पहले ऑयल है, ऑयल के अंदर डाल दिए जी कुछ प्याज, क्योंकि मैं अब यहाँ पे करूँगा जी कमेंट्री यानी कि वॉइस ओवर। तो ये चिकन शरीफ है थोड़ा सा भाई, इसे भी, ये तो आप जितना डालना चाहें वो उतना ही ज़बरदस्त पुलाव बनेगा। और उसके बाद ये है जी हमारे प्याज साहब, और ये इस टाइम ब्राउन हो चुके हैं। इसमें डाल देते हैं चिकन, बड़ा ज़बरदस्त छीटा उड़ा था ऑयल का यार मेरे ऊपर आया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ से कट की थी। और उसके बाद ये जब सारा कुछ ये डल गया, चिकन और भाई और क्या था इसके अंदर, ये ऑयल और प्याज, इस सब को थोड़ा सा यहाँ पे ना भून लेंगे भाई, टच देना है हल्का सा। वैसे तो आपका भाई भी छोटा मोटा शेफ है, लेकिन माँ माँ है भाई, उसका माँ का तो कोई, वो कहते हैं ना, लेवल नहीं है हमारा। तो चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे जी टमाटर वगैरह थे वो भी डाल दिए, और टमाटरों के साथ एक बार फिर इसकी भाई फेंटी लगाते हैं, तो इसको एक बार मज़ीद पकाते हैं। चलो जी ये नेक्स्ट आप देख लें जी, ये है जी अपना ग्रीन चिली और गार्लिक। तो इसको पेस्ट बना के ना ये इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसे भी फिर पकाएंगे। चिकन की तो शामत आई हुई है। खैर यहाँ पे दोस्तों हमने पानी ऐड कर दिया था, नमक, और ये ऊपर आप ज़ीरा देख रहे हैं, ये चीज़ें डाल दी। और ये आप जो रस देख रहे हैं ये है जी लेमन, लीमू का, तो ये आपने इसी टाइम पे डालना है। यकीन करें इससे बड़ा ज़बरदस्त आपके जो पुलाव है ना उसका जायका बन जाएगा। ये है जी गरम मसाला पाउडर। भाई टेक्निक हर किसी की है अपनी अपनी, आपको अब कैसी पसंद आती है कैसी है, लेकिन ये जैसी भी है ना आप इसे एक दफ़ा ट्राई कर लेना, सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पर, तो भाई आप याद रखोगे। और ये उसके बाद जी रेड चिली पाउडर, मिर्चें आप जितना ज़्यादा डालना चाहें उतने डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो तीखा डाल दें, नहीं तो नॉर्मल डाल दें। तो हम बहरहाल नॉर्मल ही डालते हैं, क्योंकि सेहत के लिए भी फिर ये ख़राब होती हैं अगर आप इसे ज़्यादा डाल देंगे तो। तो नेक्स्ट ये देख लें जी, इसमें आ गई दारचीनी। दारचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और मज़ीद जो अब हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट आने वाला है दोस्तों, वो होगा इलायची। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये अजीब सी शक्ल की, ये देखें, तो इसे डरना नहीं है यार, ये इसे कहते हैं बड़ी इलायची। तो आपको खैर पता होगा जो एक्सपर्ट होंगे, तो ये बीच में हमने एक बस डाल देनी है, इससे ये खुशबू बड़ी कमाल की आ जाएगी। तो इसे थोड़ा सा भाई घुमाएंगे, और इसके बाद फिर हमने क्या करना है जी, जो हमारे पास चावल हैं जो हमने भिगो के रखे हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो चावल हमने सिर्फ तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखे थे, लेकिन ये चावल दूसरे हैं, आप इसे इनका ये देखें जी, इसमें कुछ कुछ येलो कलर के भी हैं। असल में हुआ ये है कि ये वाले चावल बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चावल जितना ज़्यादा पुराना होता है उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे यार कि यहाँ पर देखो भाई माहौल बनना स्टार्ट हो चुका है, वो उबल उबल के बाहर आ रहे हैं। ये चिकन तो ऑलमोस्ट पहले ही पक चुका होता है, फिर चावल के साथ जाहिर है उसका टेस्ट है वो उसे देना होता है। तो ये आप देख लें लेवल का बन चुका है, और अभी क्या करेंगे इसे बिल्कुल रिवायती स्टाइल से भाई दम पे लगा देंगे, वो जिस तरह रुमाल जो होता है उसे किसी चीज़ में, मतलब हम किसी चीज़ को रुमाल में बांध के ये देखें इस तरह रख के ऊपर से कोई भी आप वज़न दे दें। भाई हमारे पास तवा था, ये जुगाड़ है तो हमने लगा दिया, और इसके बाद चावल हो जाएंगे तैयार। तो ये आप देख लें भाई इंतहाई ज़बरदस्त हैं, सिर्फ मैं आपको दोबारा कहूँगा कि एक दफ़ा ट्राई कर लें मेरे कहने पे, उसके बाद आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि भाई कोई भाई ने रेसिपी बताई है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।